नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, मैं हूं मानसी दवे। और कल के ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन के बाद जहां पर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी दिखी, आज हर किसी की नजर फिर से यही देखने को चाहती है कि आज ट्रेडिंग सेशन क्या खरीदारी दिखाएगा, क्या ये तेजी टिकाऊ रहेगी, क्या निफ्टी 12,000 के ऊपर के लेवल्स देख पाएगा। ये सब कुछ देखना आज बेहद अहम होगा। लेकिन सबसे पहले चलिए आज की पारी की शुरुआत कर देते हैं और एसटिक्स निफ्टी आपके सामने रख देते हैं। कल ही की तरह ये आज भी हमारे हक में ट्रेड कर रहा है 11,876 के स्तर पर खरीदारी के साथ। एसटिक्स निफ्टी में फिलहाल शुरुआत होती हुई दिख रही है। तमाम एशियाई बाजारों का रुख एक बार कर लेते हैं। हांगकांग के बाजार देखना बेहद अहम है, यहां पर बिकवाली का दबाव है, तो कह सकते हैं कि मिलेजुले संकेत एशियाई बाजारों से मिलते हुए दिख रहे। 116 अंकों की बिकवाली का दबाव, निकेई और शांघाई के इंडेक्स भी लाल निशान के साथ फिलहाल कर रहे ट्रेड। लेकिन चलिए चार अहम संकेत ट्रिगर्स आपको बता देते हैं जो आज पूरे दिन बाजार को इंपैक्ट करते हुए दिखेंगे। मिले जुले संकेत है ग्लोबल बाजारों से, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में लगातार दो दिन से बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। कई सारे कारण है जिसके चलते अमेरिकी बाजार दो दिन से टूट रहे। और अगर एशियाई बाजारों की बात करें तो इस निफ्टी 11,850 के पार तो है ही, लेकिन हांगकांग के बाजार लाल निशान के साथ कर रहे हैं ट्रेड। कल टाटा मोटर्स के नतीजे आए हैं और नतीजे यूं कह रहे हैं कि घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, तो इस खबर के चलते अब काउंटर पर क्या नजर और इम्पैक्ट देखने को मिलता है ये देखना अब अहम होगा। साथ ही बीपीसीएल एचपीसीएल के भी नतीजे कल ही के दिन आए, दोनों ही कंपनियों ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए हैं। न्यूज बेस इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल मिलेगा जिस पर हमारी नजर होगी। और आज टेक महिंद्रा के नतीजे आने वाले हैं जिस पर नजर रखनी है। और एफएनओ स्पेस की चार कंपनियां डीएलएफ, भारत फाइनेंशियल, आईएफसीआई और बॉश, ये चारों कंपनियां आज के दिन अपने नतीजे पेश करेंगी। तो नतीजों के लिहाज से इम्पोर्टेंट दिन है, इन तमाम कंपनियों के रिजल्ट्स पर आज हमारी नजर होगी। तो चलिए पूरी टीम मेरे साथ जुड़ गई है और विदेशी बाजारों के संकेत हमें संदीप बताएंगे, साथ ही खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे ये बताने के लिए डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ हैं, जो कि आज के लिए कौन से लेवल्स अहम है ये हमें समझाएंगे। लेकिन संदीप, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। अमेरिकी बाजार लगातार दो दिन से टूट रहे हैं, एसडीएक्स निफ्टी फिलहाल खरीदारी के ट्रेंड दिखा रहा है, विदेशी बाजारों से संकेत कैसे दिख रहे हैं? काफी मिले जुले संकेत हैं। अगर आप एशिया को देखेंगे तो आपको उतनी घबराहट नहीं नजर आएगी, एशियाई बाजार मिले जुले हैं। कुछ एक मार्केट्स ऐसे हैं जो कि हल्की पॉजिटिविटी भी दिखा रहे हैं, और एसजेक निफ्टी जो कमजोर खुला था लेकिन लो लेवल से रिकवरी देखने को मिली है। कल यूएस के मार्केट्स लगातार दूसरे दिन ऐसा हुआ कि गिर के बंद हुए हैं। दरअसल हो कह रहा है कि यूएस और चीन के बीच में जो ट्रेड वॉर की दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी गहराती हुई दिख रही हैं। चाइना की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है हुवेई, उसको लेकर जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आपको याद होगा दो दिन पहले ऐसी खबर थी कि ट्रंप सरकार ने ये आदेश दिए थे कि अगर यूएस की कोई भी कंपनी को हुवेई के साथ कारोबार करना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो उसके बाद अब क्या हो रहा है कि कल ये खबर निकल के सामने आई कि एप्पल ने अपनी जो सर्विसेज हैं, जितने भी जो कारोबार वो करते हैं हुवेई के साथ, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज जितनी भी देते हैं, वो उनको उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तो उससे हुआ क्या, जितनी भी चिप मेकर जो आईटी टेक कंपनीज हैं उनमें अगर आप देखें तो कल काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला था। एप्पल का शेयर तो 3% के आसपास गिरा ही गिरा, उसके साथ साथ जो बाकी जितनी भी चिप मेकर्स हैं उनके स्टॉक्स में कल भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो आपको डाउ जरूर नजर आएगा कि 84 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी थी, लेकिन नैसडेक देखिए 1.5% की भारी गिरावट, क्योंकि आईटी स्टॉक्स फिसलते हुए देखे थे, उसका इंपैक्ट आप देखिए साफ तौर पे मार्केट्स पे देखने को मिल रहा था। तो यूएस के मार्केट्स में जो यूएस चीन ट्रेड वॉर को लेकर दिक्कतें हो रही हैं, जो हुवेई को लेकर नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, उसका इंपैक्ट देखिए साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। और इसका जो असर है कल यूरोपियन मार्केट्स में भी था, 1.5% के आसपास की कमजोरी वहां भी देखने को मिली। तो ओवरऑल देखा जाए यूएस और यूरोप दोनों से संकेत खराब हैं आज के लिए। एशियन मार्केट्स अगर आप देखें मिले जुले, कुछ एक मार्केट्स अभी भी नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि डाउ जोन्स लोअर लेवल से करीब 120 अंक रिकवर होकर बंद हुआ, और आज जो एसएक निफ्टी की शुरुआत हुई है कमजोर शुरुआत के बाद, वहां पे भी लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो नेट नेट संकेत मिले जुले हैं, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है और कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी आज मार्केट्स में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो 11,866 के लेवल्स पर फिलहाल एसडीएक्स निफ्टी कर रहा है ट्रेड, और अहम बात यह है कि हांगकांग के बाजार अब भी लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे, तो मिले जुले संकेत एशियाई बाजारों से बिल्कुल है। देखना यह होगा कि एशियाई बाजार सत्र के चलते चलते अपने आप को कितना संभालते हैं। संदीप, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कल के सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस की तरफ से एक्शन, कैश मार्केट में 1700 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने की है, वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में करीब 540 करोड़ की बिकवाली का रुख अपनाया है, और एफएनओ स्पेस में एफआईएस ने 3400 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर बात करें, एफआईएस ने करीब 1071 करोड़ की खरीदारी की है। इंडेक्स ऑप्शंस में 1500 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की तरफ से आती हुई दिखी है, और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 790 करोड़ के ऊपर की खरीदारी का रुख एफआईएस की तरफ से आता हुआ दिखा है।
चलिए अब रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर आनंद सिंघवी से। अनिल जी गुड मॉर्निंग, बेहद मिले जुले संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से, क्या कल की जो तेजी थी वो आज बरकरार रहेगी और अहम लेवल्स हमारे लिए कौन से होंगे, स्ट्रेटजी कौन सी अपनाएं? हाँ बरकरार तो रहेगी लेकिन मानसी उतनी उम्मीद मत कीजिए जितना कल हो गया है जी। थोड़ा ठहरेंगे रुकेंगे लेकिन बायस पॉजिटिव रहेगा और अगर थोड़ा नीचे आए दिन के दौरान तो निचले स्तरों से खरीदारी भी आ जाएगी क्योंकि अंडरटोन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को चुनाव के नतीजों के पहले पैसा लगाना है रह गए हैं वो मतलब बस मिस हो गई वो वाली फीलिंग है, तो थोड़ा भी नीचे आएगा तो खरीदारी तुरंत आ जाएगी। तो पहली चीज तो ये कि कोई बड़ी गिरावट का डर चुनाव के नतीजे तो पहले है नहीं, तो आपके लिए नीचे का खतरा बेहद कम है। दूसरा ये कि अपसाइड कितनी बन सकती है, अब हर रोज तो 1300-1400 पॉइंट बनता नहीं, 10 साल की पहली इतनी बड़ी तेजी दिखी है कल, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ने की रफ्तार आपकी धीमी पड़ जाएगी और सामने आपके एक बड़ा सा एवरेस्ट जैसा लेवल है 12,000 जो मनोवैज्ञानिक स्तर काफी बड़ा है कि उसके पार निकलने के लिए कुछ तो बड़ा चाहिए और कुछ तो बड़ा या तो फिर चुनाव के नतीजे के दिन ही आएगा। तब तक आप थोड़ा रेंज में ट्रेड करेंगे, छोटी रेंज जो आज निफ्टी की हो सकती है वो हो सकती है 11,775 और 11,900 और अगर बड़ी रेंज देखें तो 11,725 अहम सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 12,000 के आसपास तक के लेवल, ये है रेंज जिसको बाजार को ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी बेहद मजबूत है, काफी दमदार तरीके से लाइफ टाइम हाई बनाकर बंद हुआ है, तो बैंक निफ्टी के लिए सिंपल फॉर्मूला ये कि आप 30,500 से 31,000 की रेंज को ट्रेड कीजिए। जी बिल्कुल अनिल जी, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक आज कहां पर नजर रखनी होगी? वही जो कल वाले सेक्टर्स आपको बताए, बैंक, एनबीएससी। एनबीएससी के लिए अभी आप हेडलाइन में खबर भी पढ़ रही थी कि आरबीआई स्पेशल विंडो देने की तैयारी कर रहा है जिसमें जो कमजोर एनबीएससी है उनके लिए पैसा लेना आरबीआई से बड़ा आसान हो जाएगा। तो एनबीएससी जैसे भी काफी पीटे हुए हैं तो ये स्टॉक्स भागने को तैयार हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां अच्छा करना चाहिए और बैंक तो अच्छा है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। और उसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों की कल भी हमने बात की थी कि खरीदारी करनी चाहिए, आप बताई गई है एचपीसीएल बीपीसीएल के रिजल्ट काफी दमदार हैं, ये स्टॉक्स हैं जो आज भी तेजी दिखा सकते हैं। बिल्कुल अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये तमाम ट्रेडिंग रेंज है निफ्टी 11,775 से 11,900 के बीच की छोटी ट्रेडिंग रेंज और 11,725 से 12,000 की बड़ी ट्रेडिंग रेंज जिसको आपको नजर में रखना है। बैंक निफ्टी बेहद पॉजिटिव है, यहाँ पर 30,500 से 31,000 की ट्रेडिंग रेंज को ध्यान में रखें और सेक्टर स्पेसिफिक देखिए बैंक, ओएमसी, एनबीएफसी तमाम पर पॉजिटिव नजरिया अनिल जी की तरफ से आता हुआ दिखा है। चलिए कल बाजार बंद होने के बाद कुछ अहम कंपनियों के नतीजे आए और कैसे रहे वो तमाम कंपनियों के नतीजे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे रिसर्च एनालिस्ट पूजा त्रिपाठी। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स तमाम कंपनियों ने अपने नतीजे पोस्ट मार्केट पेश किए हैं, कैसे रहे इन तमाम कंपनियों के नतीजे? जी शुरुआत टाटा मोटर्स से करेंगे और मिले जुले नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, कुछ फ्रंट पर नंबर काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, कमेंट्री पॉजिटिव लग रही है लेकिन कुछ फ्रंट पर नंबर अनुमान से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आई की अगर बात करेंगे हमारे अनुमान से कमजोर है, 5% की गिरावट यहाँ पर दर्ज हुई है, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा टूटा है, हमारा अनुमान था कि 9,000 करोड़ के आसपास के मार्जिन फिगर्स दिखाई देंगे, उसके सामने 8,019 करोड़ के मार्जिन फिगर्स आए और 26% की गिरावट इस तिमाही दर्ज हुई है। वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे तो वहाँ पर हम घाटे का अनुमान कर रहे थे 500 करोड़ के आसपास का लेकिन उसके सामने मुनाफा पोस्ट किया है लेकिन गिरावट ही आई है, करीब 50% की गिरावट इस बार मुनाफे में देखी गई है। वहीं जेएलआर का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा और हमारी उम्मीद के मुताबिक ही रहा, जेएलआर के मार्जिन की बात करेंगे तो 9.7% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके सामने 9.8% के मार्जिन फिगर्स इस बार पोस्ट हुए हैं, कॉमेंट्री जेएलआर के लिए ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो मिले जुले कहेंगे टाटा मोटर्स के नंबर्स। इसके अलावा बीपीसीएल के नतीजे भी आए हैं और नतीजे अनुमान से काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आय जरूर घटी है लेकिन अनुमान से कम यहां पर गिरावट देखी गई है, मार्जिन में यानी कि कामकाजी मुनाफे में करीब 6 गुनी बढ़त इस बार दर्ज हुई है और मुनाफे में भी 6 गुनी बढ़त इस बार दर्ज हुई है जिसका कि हम अनुमान भी करे थे और इससे बेहतर ही नंबर्स इस बार देखे गए हैं बीपीसीएल के। इसके अलावा एफएनओ स्पेस से भी कुछ कंपनियों के नतीजों की बात कर लेते हैं, टोरेंट फार्मा के नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं, आय में करीब 9% की बढ़त हुई है, अगर आप मुनाफा देखेंगे तो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी लेकिन उसको एडजस्ट करेंगे तो करीब 54% की
की बढ़त इस बार मुनाफे के फिगर्स में देखी गई है और कामकाजी मुनाफे में 30% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स वीक दिखाई दे रहे हैं कामकाजी मुनाफे में और मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स कमजोर हैं। मुनाफे में इस बार 25% की गिरावट दर्ज हुई है। अब बात करते हैं कुछ कैश सेगमेंट से जिसमें कि शुगर कंपनियों के नंबर्स आए हैं और काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। शुगर कंपनी के नंबर्स इस बार नतीजे काफी बेहतर पोस्ट कर रहे हैं। डालमिया भारत शुगर के जो नंबर आए हैं वो घाटे से मुनाफे में आ चुकी है इस बार कंपनी और आय में करीब 18% की ग्रोथ दर्ज हुई है। इसके अलावा धामपुर शुगर के नतीजे भी इस बार मुनाफे में दिख रही है। कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और मार्जिन में शानदार जंप इस बार देखा गया है। तो दोनों ही शुगर कंपनीज के नतीजे बेहतर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने कल पोस्ट मार्केट अपने नतीजे पोस्ट किए हैं और बाजार खुलते ही इन तमाम कंपनियों पर एक असर भी पड़ता हुआ दिखेगा। लेकिन खासतौर पर शुगर स्पेस में एक रिवाइवल, अच्छी तेजी का रुझान बिल्कुल देखने को मिल रहा है क्योंकि डालमिया भारत, धामपुर शुगर तमाम कंपनियों के नतीजे अच्छे आते हुए दिखे हैं। पूजा, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए, अब वक्त हो गया आज की खबरों वाले शेयर्स जानने का और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स है जो आप फोकस में रहेंगे? मॉर्निंग, अभी आप हेडलाइंस पे पढ़ रहे थे जेट एयरवेज को लेकर एहतियात की कोशिश जारी है कि हिंदुजा के साथ मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल दिया जाए, इसलिए 23 तारीख को एक वो बैठक करने जा रहे हैं और बैठक अबूधाबी में होने जा रही है जेट के रिवाइवल को लेकर, और जेट के लिए पॉजिटिव खबर है ये। एनबीएफसी को लेकर जैसे अनिल जी भी कह रहे थे कि एक विंडो खोली जा सकती है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ गई थी ILFS के पूरे दिक्कत के बाद, डिफॉल्ट के बाद, लेकिन अब हो सकता है एनबीएफसी के लिए लिक्विडिटी को थोड़ा हल्का करने के लिए एक स्पेशल विंडो खोली जाए, तो ये चुनावों के बाद यानी कि 23 तारीख के बाद खोली जाएगी। खबर आज बाजार में है, रिएक्शन भी आज ही आपको पॉजिटिव मिलेगा एनबीएफसी पर। इसके अलावा अदानी ग्रीन्स के, इनके दो प्रमोटर हैं, दोनों प्रमोटर मिलकर कुल मिला के करीब 5.5% हिस्सेदारी बेच रहे हैं कंपनी में, 43 रुपये का भाव है और कुल मिला के जो रकम जुटाई जाएगी ऑफिस के जरिए यानी कि हिस्सा बिक्री के जरिए वो 376 करोड़ रुपया है। आज नॉन रिटेलर्स के लिए खुल रहा है, कल रिटेलर्स के लिए खुल रहा है, अदानी ग्रीन्स के लिए पॉजिटिव खबर है, 43 रुपये का इसका OFS है। पेनेशिया बायोटेक, USFDA से इनको एक दवा की मंजूरी मिली है, जिस दवा की मंजूरी मिली है इनको वो उसका करीब 770 करोड़ रुपए का बड़ा बाजार है अमेरिका के अंदर, तो ये पेनेशिया बायोटेक के लिए अच्छी खबर है। पहले भी इनके पास कई पेटेंट्स है अमेरिका में, एक दवा इनको और मिल गई है। शिल्पा मेडिकेयर, इस पर भी एक खबर है कि इनको भी एक दवा की मंजूरी मिली जो कि कैंसर के इलाज के लिए होती है, ये बड़ा बाजार है ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी, तो इसलिए शिल्पा मेडिकेयर पर भी आप पॉजिटिव रुख रख सकते हैं। शोभा डेवलपर, ये एक रियल एस्टेट की कंपनी है लेकिन ये फर्नीचर भी बेचने का काम अब शुरू कर रही है, इन्होंने बेंगलुरु में एक नया स्टोर भी खोल दिया है और आगे चल के कई और स्टोर खोलने की इनकी योजना है। ये मीटर क्यूब नाम से फर्नीचर अपने बेचेगी। इंडोस्टार कैपिटल, खबर इसमें यह है कि NCDs के जरिए यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए ये करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाएंगे जिसके बोर्ड ने इनको अप्रूवल दे दी है, आगे की डेट्स आ जाएंगी कब और कैसे जुटाए जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव खबर है ये इंडोस्टार कैपिटल के लिए। चलिए, तो तमाम खबरें हैं जिनके दम पर आज एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। डिम्पी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। जेट एयरवेज को बचाने की एक और कोशिश होगी, 23 मई को एक अहम बैठक होने जा रही है जहां पर हिंदुजा और इतिहाद के बीच बैठक होगी और फिर से कोशिशें की जाएंगी कि जेट एयरवेज को बचाने की कोशिश की जाए। इसके अलावा NBFCs जिस तरह से अनिल जी भी बता रहे थे आज फोकस में रहेंगे, खासतौर से नकदी में सुधार के लिए आज कई सारे ऐलान होने की संभावना है, तो इसके चलते NBFC स्पेस पर भी आज खास ध्यान रखें। चलिए, इसी के साथ एशियाई बाजार एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंसेक्स निफ्टी 11,875 के लेवल्स पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा तमाम एशियाई बाजार, हांगकांग के बाजारों को एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि वहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है, तो धीरे धीरे बिकवाली कम होती हुई भी दिख रही है। बुलेटिन की शुरुआत में 112 अंकों की बिकवाली थी, वो अब महज 50 अंकों की बिकवाली में तब्दील होती हुई दिखी है, तो रिकवरी मोड हांगकांग के बाजार में आता हुआ दिख रहा है। सेंसेक्स निफ्टी धीरे धीरे 11,877 के स्तर पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। आज बाजार में कहां हो सकती है आपकी कमाई, इस पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के जय पुरोहित। जय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताएं कि निफ्टी में 12,000 के स्तर के पार लेवल्स देखने में आप कितनी संभावना देख रहे हैं इसकी, और साथ ही इंडेक्स स्पेसिफिक निफ्टी पर स्ट्रेटजी आप क्या बताएंगे? जी गुड मॉर्निंग मानसी, पूरी संभावना है कि निफ्टी एक बार 12,000 क्रॉस कर सकता है। लास्ट अगर दो दिन का डेरिवेटिव डेटा देखेंगे तो कल भी लगभग 10% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा था, फ्राइडे को 5% का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा और बैंक निफ्टी में कल लगभग 22% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो ओवरऑल जो बेस था वो काफी लो था, पोजीशंस काफी कम थी मार्केट में और उसके बाद में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है, तो वो एक क्लियरली संकेत कर रहा है कि मार्केट एक नई रैली की तरफ मूव कर रहा है। तो ये लेवल्स पे बाय करके चलना चाहिए, 11,720 का स्टॉप लॉस रहेगा और 12,000 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर आप राय देंगे आज?
जी फर्स्ट बैंकिंग में एक अच्छा लग रहा है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में कल एक फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट आया और चांसेस है कि वो 820 से 830 तक के लेवल दिखा सकता है, तो 760 का स्टॉप लॉस लग के बाय करें। और सेकंड है एलएनटी। एलएनटी काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, अपसाइड में लगभग 1450 तक जाता है और नीचे में लगभग 1250, तो ये 200 पॉइंट का उसका रेंज था। अभी फिर से रेंज के अपर एंड पे है, बट उसमें कल काफी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है और ओवरऑल जो मोमेंटम है जैसा कि उसका स्ट्रक्चर है वो देख के लग रहा है कि वो ब्रेकआउट देने के पूरे कागार पे है। तो 1500-1520 के टारगेट के लिए बाय करके चलना चाहिए 1420 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो क्लियरली ये तमाम स्ट्रेटजी हैं जो आपको मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। निफ्टी में 12000 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 11720 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक भी राय आपको दे दी गई है जिसको नोट डाउन करें। आप एलएनटी में खरीदारी करके चल सकते हैं 1500 से 1520। 1500 पहला टारगेट, 1520 दूसरा टारगेट ध्यान में रखें। और साथ ही एक्सिस बैंक में खरीदारी का मन बनाया 820 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 760 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए अब आपको कुछ ट्रेडिंग कॉल्स बता देते हैं जहां पर आप निवेश का नजरिया बनाकर चल सकते हैं। आज के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से राय आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। सीमेंट स्पेस में रिकवरी का मोड बिल्कुल शुरू हो चुका है। 4820 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 4740 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से ही दूसरी राय भी गुजरात अल्कली पर है, यहां पर भी खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी बाजार का अब जायजा ले लेते हैं। कमोडिटी बाजार पर आज की रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए ये जानते हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया से। अजय गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट पर ही सबसे पहले आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। कल रुपए में जो रिकवरी देखने को मिल रही है उससे घरेलू बाजार में सोने चांदी में काफी दबाव दिखा, गोल्ड और सिल्वर दोनों पर क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? गुड मॉर्निंग मानजी, डेफिनेटली कल के सेशन में हमने इंटरनेशनल मार्केट में तो जरूर एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा। हमने देखा 1275 के जी गोल्ड रहा है, बट डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा जिस ढंग से रुपए में हमने मजबूती देखी एक अच्छे मैंडेट की एक्सपेक्टेशन लिखते हुए, तो वो एक मेजर कारण था जिसकी वजह से हमने गोल्ड में भारी गिरावट देखी। बट जब तक इंटरनेशनल में 1280 के ऊपर गोल्ड नहीं निकलता है मुझे लगता है एक रेंज रहेगा जो 1270 से 1280 के बीच में रहेगा। तो आज की सलाह रहेगी गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में बेचना चाहिए क्योंकि रुपए में अभी भी मुझे लगता है स्ट्रेंथ वापस देखने मिल सकती है। तो 31,550 के बाउंस पे गोल्ड बेच के चलिए। डाउन साइड रहेगा बट लिमिटेड रहेगा, जो 31,350 तक का रहना चाहिए। ठीक है, बिकवाली करनी है सोने पर आप 31,350 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 31,650 का स्टॉप लॉस लगाएं। एनर्जी पैक में आ जाए, क्रूड पर आप क्या राय देंगे? माजे कल भी हमने क्रूड में मॉर्निंग में एक्सपेक्टेड था डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट के बाद एक गैप अप ओपनिंग होने की उम्मीद थी, बट जिस दिन से रुपए में मजबूती थी वो जो तेजी थी वो एक ऑफसेट हो गई थी डोमेस्टिक मार्केट पे। तो एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जो टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट जरूर कर रहे हैं, बट लास्ट वीक भी हमने इन्वेंट्री बढ़ते हुए देखी थी और साथ में प्रोडक्शन है ये भी कंटिन्यू बढ़ ही रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक रेंज बाउंड में ही रहेगा। आज के लिए जून वायदे में 4,440 पे बेचना चाहिए, नीचे में मुझे लगता है 4,350 तक का लेवल देखने मिल सकता है। बिल्कुल अजय, करेंसी पर आपका आउटलुक जानना चाहूंगी, रुपए की जो मजबूती है वो कायम रहेगी अब भी? देखिए मीडियम टर्म की बात करें तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि रुपए की मजबूती वो कंटिन्यू रहेगी, बट कल जिस ढंग से हमने 1.25% से ज्यादा की मजबूती देखी तो आज थोड़ा एक रिवर्ट कर सकता है जो आई थिंक 69-80 तक का लेवल फ्यूचर्स पे दिखा सकता है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 70 के नीचे ही रुपया मेंटेन रहेगा। तो आज बिल्कुल इंटरडे के हिसाब से मुझे लगता है एक थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है क्योंकि डॉलर में स्ट्रेंथ देखी गई है, तो 69-80 के लिए बाय कर सकते हैं। बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आज दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स हैं बताने के लिए अब हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट देवांशी आशर जुड़ गई है। देवांशी गुड मॉर्निंग, दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस कहां पर अपना दाव लगा रहे हैं? बिल्कुल आज शुरुआत यहाँ पे टाटा मोटर्स से करते हैं, जिस तरह से ईयर ऑन ईयर नतीजे आते हुए दिखे हैं, थोड़े से खराब नतीजे आते हुए दिखे हैं। उसके बाद सीएलएसए ने टाटा मोटर्स पर अपनी बिकवाली की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो यहाँ पे 150 तक का दे रहे हैं और मान रहे कि जेलर और भारतीय कारोबार दोनों के कामकाजी मुनाफा अनुमान से काफी कम आता हुआ दिखा और साथ ही जेलर का जो आउटलुक है वो काफी नरम दिख रहा है और आगे चल के भारतीय कारोबार में भी काफी नरमी यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही यूबीएस के जो लक्ष्य है वो 200 तक के हैं और न्यूट्रल रेटिंग को उन्होंने बरकरार रखा है। वो ये मान के चल रहे कि चौथे तिमाही के जो जेलर के नतीजे वो थोड़े से बेहतर जरूर आते हुए दिखे हैं, लेकिन भारतीय कारोबार या स्टैंडलोन जो कारोबार है वो काफी नरम आते हुए दिखे हैं और भारतीय कारोबार आगे चल के भी थोड़ा सा नरमी दिखा सकता है।
मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे इक्वल वेट है 184 तक के टारगेट सिखा रहे हैं, और जेफरीज यहाँ पे खरीदारी की राय है, एक ही ब्रोकिंग हाउस जो फिलहाल खरीदारी की राय दे रहे हैं और 250 रुपए तक के लक्ष्य वो यहाँ पे बता रहे हैं, और वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो स्टैंड लोन कारोबार है वो थोड़ा सा नरम आता हुआ दिखा है, JLR की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिखी है। BPCL पर आज CLSE की राय है, बिकवाली की सलाह उन्होंने बरकरार रखी है और जो लक्ष्य दे रहे हैं वो 300 तक के दे रहे हैं। सारे सेगमेंट जो नतीजे हैं वो अनुमान से थोड़े से खराब आते हुए दिखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो मार्केटिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी मजबूत है, इसी के चलते यहाँ पे थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिखा है। BPCL पर UBS की राय है, जो यहाँ पे खरीदारी की राय है, लक्ष्य जो दे रहे हैं वो 415 तक के दे रहे हैं, और वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो रिफाइनिंग कारोबार है उसमें थोड़ी सी नरमी जरूर जा रही है, लेकिन यहाँ पे निवेशक जो कोची रिफाइनरी है उसकी टर्न अराउंड के यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, वो हो जाता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। HPCL पर बिकवाली की सलाह CLSE की तरफ से, और जो लक्ष्य दे रहे वो 210 तक के दे रहे हैं, और वो भी मान रहे हैं कि नतीजे अनुमान से अनुमान के मुताबिक हैं, लेकिन जो मार्केटिंग अनुमान है मार्केटिंग कारोबार है वो अनुमान से थोड़ा सा कम आता हुआ दिखा है। और आखिर में UBS की HPCL पर राय है, यहाँ पे खरीदारी की राय है, 315 तक के लक्ष्य दे रहे हैं, और यहाँ पे वो ये मान के चल रहे हैं कि क्रूड की कीमतों में जिस तरह से उतार चढ़ाव दिखा उसके बावजूद जो मार्केटिंग कारोबार है वो थोड़ा सा मजबूत आता हुआ दिखा है। इन ऑल HPCL BPCL बहुत अच्छे नतीजे नहीं हैं, CLSE दोनों में यहाँ पे थोड़े से नेगेटिव कमेंट्री दे रहे हैं। साथ ही भारत फौज CLSE की आज बिकवाली की राय है, 420 तक के लक्ष्य वो बता रहे हैं, और साथ ही वो मान के चल रहे हैं कि चौथे तिमाही के नतीजे थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन आगे की जो कमेंट्री है मैनेजमेंट की वो थोड़ी सी नरम आती हुई दिखी, इसी के चलते बिकवाली की राय है। और अमेरिका और साथ ही भारत में जो ट्रक सेगमेंट है वहाँ पे काफ़ी धीमापन दिख रहा है, और UBS की भारत फौज पर बिकवाली की राय है, 480 तक के लक्ष्य वो यहाँ पे दे रहे हैं, और वो भी ये मान के चल रहे हैं ट्रक सेगमेंट में आगे चल के थोड़ा सा मापन दिख सकता है। ओके देवांशी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।